स्वागत फिर से कर ग्रैनी रिकैप्चर के गेम प्ले वीडियो में। एंजो का स्वागत है फिर से कर रहे वाले एक्सट्रीम मोड में। हम इसकी दो लाइव स्ट्रीम कर चुके बट दोनों में एस्केप नहीं हो पाया एंड ग्रैनी ग्रैंड में दौड़ा दौड़ा के मारते, भगा भगा के मारते, तड़पा तड़पा के मारते। बट मैंने लाइव स्ट्रीम में कुछ कुछ ट्रिक्स जान लिए थे कि कैसे मैं इन दोनों से बच सकता हूँ, तो आज मैं उन सब का यूज करते हुए तुम्हारा भैया यहाँ से एस्केप करने वाला है विद ग्रैनी ग्रैंडपा एंड हमारे ग्रैंडपा के हाथ में होने वाली शॉर्ट गन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का खेला। खेला संभल के पहला दिन शुरू हो चुका है एंड इस गेम के अंदर हमें मिलते हैं 5 days एंड 5 days में तुम्हें एस्केप करना होता है। अगर कैच किया तो कैच करते मेरा एक दिन हो जाएगा कम, तुम सबको पता है, बट जो नया आया है उसे मैं बता देता हूँ। समझ रहे हो अंकल आंटी जी, अगर आप नहीं हो तो सारी चीजें हाईलाइट होके नहीं आई। इस बार इधर डन। क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? संभल के देख लिया। भाई मैं क्या कर रहा था मुझे खुद ही नहीं पता। पहले दिन ही यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यार। धराटे। और भाई ग्रैंडपा आई थिंक ऊपर से आता है फर्स्ट डे में। ग्रैंडपा नीचे से क्यों आ रहा है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? बुढ़ा उपनी नीचे से आ रहा था, मैं अपनी जगह देख रहा था कि घुस जाऊं कैसे ना कैसे। पहले दिन में भगा भगा का मार रहे शॉटगन का पार्ट। और क्या चाहिए तेरी जान, सु ग्रैनी वाली क्या दर्राटे दर्राटे और आफ आ दोनों एक जगह आ चुके, ठीक है बट कोई बात थी। और क्या दर्राटे काट रहा हूं मैं, हैं अब जाना यहाँ से, अब ये जाएगी तभी मैं वहां से नीचे से जाके अपने सारे आइटम्स फेंक पाऊंगा। बट पहले इनको जाने दो क्योंकि एक्सट्रीम मोड है, बहुत तेज दौड़ते हैं एंड इन दोनों को मुझे एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा एंड वो है ये टैडी। बट पहले मैं ये शॉटगन का पार्ट फेंक के आऊंगा, पहले उसको जाने दो। 5 4 3 2 1 सॉरी 1 0 भाग ले। बच गया। यस ये लो ये पार्ट वहां। अभी ये पार्ट शोर करेगा तभी जाऊंगा मैं उधर। ग्रैनी ना उधर शोर कर भाई, तेरे बिना बात नहीं बनेगी मेरी। मेरे को यार ग्रैनी का देखना पड़ेगा यार, ये पार्ट अब इसका शोर नहीं कर रहा। प्लीज झूल मत, थोड़ा नीचे करके फेंको तो। नहीं हो रहा, ये शोर नहीं कर रहा, मेरे को कोई और आइटम देखना पड़ेगा। बट बस ग्रैनी जा चुकी है, बस ग्रैनी को मेरे के आसपास फुटस्टेप्स आ रहे हैं। वो यहाँ तो नहीं गए ना कभी, ग्रैंड पर जा चुका बैक यार्ड में, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी आइटम नहीं है। ये इसका मीट का टुकड़ा अभी नीचे हिल जाता तो पंगे हो जाते एंड वहां पे जाके देखना मेरे को। यहाँ पे शॉटगन पूरी हो रही क्या? जल्दी। ग्रैंडपा बैक यार्ड में जा चुका है तो मेरे को उसका थोड़ा सा डर नहीं है, तो मैं शॉटगन पूरी हो जाएगी। ठीक बढ़िया, अबे जाना तू तो जा। मैं ये भी ना जा रहा यार। गया। वो वहां जा चुका, ठीक है डन। ग्रैंडपा का डर है नहीं, अभी दोनों को एक जगह इकट्ठा करना है। यहाँ पे दे ले आप, कुछ है इसमें? कुछ है नथिंग, खाली टैडी चकले वहां से फटाफट से, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं इन दोनों से पीछा छुड़वाने का। डन, यहाँ से निकले कूद ले। बढ़िया, तुम आते रहो, ठीक है डन। अभी मैं इन दोनों को एक जगह इकट्ठा कर लूंगा कि ताकि मैं चैन से जा सकूं। तो अभी ग्रैनी ग्रैंड पा रही इधर, बट मेरे को इन दोनों को बुलाना इधर। डन। अब टैडी ज्यादा दूर नहीं, टैडी पास पड़ा रहेगा तो जो ज्यादा अच्छा है। ले बुड्ढा आ गया, अपने हाथ में लेके शॉटगन एंड वेरेज कर रहा है नहीं दर्राटे। दोनों को एक जगह रखूंगा एंड अपना काम बारी बारी करता रहूंगा, ठीक है। अभी जाना है अपने को ऊपर की तरफ। जो आइटम मिला था मैंने यहाँ से चुग लिया, बट अभी मेरे को एक जगह और देख के आना कि क्या पता मेरे को वहां से कुछ नया पुराना मिल जाए। बट मेक श्योर दैट कि पता हो थोड़ा, एक तो उसके पास क्या है, एक दूसरा इधर कुछ है, इधर मिल गया गैसोलीन गन। बट आज एस्केप कौन सा, इसके पास है मास्टर की, तो अगर मेरे को मेन डोर एस्केप करना तो मेरे को उस वाले कौवे को धरना पड़ेगा। आली 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 क्या आली आली, बहुत तेज आएगी। बट उसने मेरे को नहीं देखा, इस बात की खुशी है मेरे को। अब ग्रैनी को यहाँ बुला लेता हूँ एंड ये टैडी को लेके यहाँ बैठ जाता हूँ कि ताकि दोनों एक जगह इकट्ठे हो जाए एंड मैं अपना घर में कहीं पे भी रैंडम घूम सकूँ एंड अपना मस्त काम कर सकूँ। चलो ठीक है, बुड्ढा आ चुका, वेयर इज ग्रैनी? एक्सट्रीम मोड है यार भाई, थोड़ा भाग के आओ यार, अपनी थोड़ी देखो मैराथन वाली रेस दिखा दूँ। देखो भाई, 5 4 3 2 1 मेरा असर हुआ खत्म। 5 4 3 2 1 मेरा असर हुआ खत्म। हंस दो। डन, ठीक है। अब ये दोनों मेरे को तंग नहीं करने वाले। अब मेरे को जाना है घर के सेंटर में, अब मेरे को जाना है नीचे बैक यार्ड में ताकि इन दोनों का ध्यान में भटका सकूं। ग्रैनी आने वाली है तो ग्रैनी जाएगी नीचे, तो अब ग्रैनी यहाँ से भग जाएगी नीचे एंड मैं उसके पीछे से निकल जाऊंगा। बढ़िया, संभल के थोड़ा, यहाँ पे भी क्रैकिंग कर देता तू कई बार, वेपन की मिलेगी और क्या चाहिए अब मेरे को। अब ग्रैनी को यहाँ बुला लेता हूँ, अब मैं चुपचाप जाके अपना वेपन ले लूंगा। बुड्ढा आ गया बैक यार्ड में, मेरे को दरवाजे खुलने का शोर आएगा बट मैं यहाँ से रिस्क नहीं ले सकता। ओ, मुझे लगा ये शोर नहीं करेगी। उधर जा चाबी, ये मार सकती थी मुझे। ये रुको, पहले इसको यहाँ से जाने दो। बहुत तेज। बुड्ढा जा चुका बैक यार्ड में, तो एक से रुको, जो 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 जो। बढ़िया, बिना क्रैकिंग करे यहाँ से निकल ले।
बच के ठीक है डन। ये लिया मैंने और ये मैंने करे क्रैकिंग इधर। अब दोनों को यहाँ पे घुसा के मारूंगा। धर्राटे। अब इसका आएगा बुड्ढा, आएगा कि तूने मेरी बीवी को कैसे मार दिया। ठीक है डन, ये क्या करा नहीं। अब बुड्ढा इसको धक्का मारेगा, मजा आने वाला। बुड्ढा धक्का मारेगा इसको। अब इसकी सासू की गुरानी को दिल फेंक के मारी सनत को। ठीक है डन, अब मैं लेने जा रहा नीचे से अपना ट्रैंक्विलाइजर, क्योंकि उसके सहारे मैं इनको तड़पा के मार सकूंगा एंड मेरे को बहुत इजी हो जाएगा। ये चीज बहुत अच्छी कि मैं यहाँ से लूंगा, ये चीज बहुत अच्छी कि अभी मैं यहाँ से चक लूंगा ट्रैंक्विलाइजर। ध्यान से ग्रैनी इसके शोर से आती है। ग्रैनी आएगी नीचे, ग्रैनी आने वाली, जल्दी कर ग्रैनी, बहुत जल्दी। देखो मैंने कहा था ना कि वो आती है, जल्दी कर अपना ले ये क्रॉसबो, इसको कर बंद, ये चक ले। ठीक है डन, एक तो गई इसके सहारे, अब आएगा बुड्ढा आने वाला। ठीक है, अभी आने वाला बुड्ढा, दोनों से बच के। ठीक है, और अभी बुड्ढा इसको फेंक के मारेगा। दोनों को तो मैंने दिया टपका, बट ग्रैनी अभी फिर से नीचे आ रही होगी, जल्दी यहाँ से निकल ले। जल्दी बिना शोर करे। ठीक है, शॉटगन यहाँ फेंक देता हूँ कि कभी ग्रैंडपा अपनी शॉटगन चकना ले, सेम टू सेम एज ग्रैनी थ्री की तरह। ठीक है, टेड यहाँ चक ले कि ताकि ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि दोनों जस्ट 15 सेकंड में तो मरे हैं यार, तो वो लोग यहाँ पे जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, जल्दी आओ सासुगी। जल्दी आओ भाई, ये लो जल्दी आओ। बुड्ढा आ चुका है, ठीक है, और ग्रैनी दोनों इधर पहुंच चुके हैं। 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 और मेरा काम खत्म। डन, दोनों हो चुके शांत। अभी मैं और जो वहां पे पड़ा था नीचे कोकविल, जो आइटम जो फिलहाल जो मेरे को जहां तक मिलता जाएगा जो करता रहूंगा। एंड एस्केप का मैंने अब तक डिसाइड नहीं करा कि मेरे को कौन सा एस्केप करना है। फिर से आने वाले दोनों, एक बारी तो मारना पड़ेगा। अरे भाई जल्दी कर प्लीज, जल्दी आली टूट जा। मेरी बर्फ भी तोड़ दी भाई यार, इतनी गलती। फर्स्ट डे में एस्केप करने का प्लान था, कोई बात नहीं, अपने पास सारी चीजें हैं, बट दोनों पे नजर रखनी पड़ेगी कि कौन कहाँ पे जा रहा है। ग्रैंडपा की शॉटगन उसके बाद फिर लगी होगी, वो हमें फिर से छीननी पड़ेगी एंड हमें फिर से टैडी उठाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से निकल गए, सीधा मेरे को जाना नीचे सबसे पहले। आई हैव टू लीव दिस हाउस, आई नो ब्रो। ग्रैनी सामने से आ रही होगी, यहाँ पे चुप रहा हूँ ठीक है फिलहाल के लिए मैं, ताकि देख लूँ कि ग्रैनी कहाँ से आ रहा है एंड ग्रैंडपा कहाँ से आ रहा है। ओके ठीक, ग्रैंडपा नीचे से आ रहा है, बैकयार्ड से मेरे को शोर आ चुका है एंड ग्रैनी अपनी यहाँ आ गई है। डन, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ अपना वहाँ से फ्री स्टेप, कर दे बंद, बढ़िया इधर आ जा। इस बारी वो गई, अभी मैं नीचे से लेके आ रहा हूँ अपना वेपन जो कि मैंने वहाँ से लिया था, ताकि बुड्ढो को भी साथ के साथ निपटा देंगे। बढ़िया, ग्रैनी गए ठीक है, अभी आना बुड्ढा आने वाला इसके पीछे पीछे। मेरी बीवी को ऐसे मारा और बुड्ढा किसको तोड़ेगा। ओ मर्डर किया था सच्ची, बुड्ढा नहीं आया क्या। ICU बुड्ढे, ICU जी ICU, शॉटगन दे दो आप आए बाहर आई। ग्रैनी यहाँ पे आके मरो। बीच में रख इसको शॉटगन ले। ठीक है डन, ग्रैनी इधर आ रही है, तो वो इधर आते वो जाएगी मर जाएगी, वो हो गया। ठीक है बढ़िया, अरे इसका अकेले का क्या करूंगा मैं, इसका वेपन भी तो ले गया। अब बुड्ढा आ रहा होगा, जल्दी कर उसको उठा ले। बुड्ढा आ रहा होगा, बोलेगा कि भाई मेरी बीवी मार दी। ठीक है चलो यहाँ करो, अपने को टैडी लेके आना है, बट बुड्ढा कहाँ है, बुड्ढा है ऊपर। अब ग्रैनी को एक बार यहाँ बुला लेते हैं कि ताकि अपन वहां से टैडी लेके आ सके एंड दोनों की लोकेशन एक जगह एक टाइमिंग पे सेट कर सके, कि अगर दोनों आएंगे तो एक जगह आएंगे, तो मेरे को पूरे घर में घूमने में दिक्कत ना होगी। ग्रैनी है अब इसको भर के, ताकि बुड्ढा अब इसके पास आ जाएगा, इसको यहाँ फेंक दो दोनों को। डन, बुड्ढा अपनी बीवी को देखने नहीं आएगा तू है? बुड्ढा अपनी बीवी को देखने नहीं आया, तो आई थिंक कहीं पे जाके सो गया। अच्छा है, सब अच्छा बढ़िया। मेरे को नीचे से कोक भी लेके आना था, बट ये ट्रैप का बच्चा मुझे जीने नहीं दे रहा। बुड्ढे की आई हैव शॉटगन कोकविल एंड यहाँ पे और कुछ हड्डी वड्डी चड्डी, कैसी है तू, हड्डे ग्रैनी आने वाली है, ग्रैनी आते मरेगी। ठीक है डन, उसका बुड्ढा आएगा उसके पीछे पीछे कि तूने मेरी बीवी कैसे मार दी, उसका मरने का जुगाड़ कर देते हैं, तो बुड्ढा इधर आके तड़प तड़प के मर जाएगा। अरे ग्रैनी कैसी है तू, धर्राटे काट दूंगी, गायब होगी बुड्ढा। उसकी सासुगी, एक सेकंड रुक जा बुड्ढे, ए वॉइस। बट बुड्ढा मेरे को मार सकता था पहले, पूछो कैसे, अगर बाई चांस वो ट्रैप से पहले मेरे तक पहुंचा था तो वो मेरी गुदी धर देता। ग्रैनी जी आप इधर आइए, आप अपने पति के पीछे मत भागिए, प्यार इंसान को पागल बना देता है। आप इधर आइए, आप अपने पति की मौत के पीछे मत भागिए, आपको बहुत पछतावा करवा देंगे हम। दैट इज कोकविल अपने इधर था। ठीक है दोनों को एक जगह करना था, वो मैं चुका हूं कर। ठीक है
दांत मत फाड़ गाने, रुको रुको। और यहाँ तक कि अपना ग्रैंडपा बैकयार्ड में स्पॉन होता है, बट रुको अभी यहाँ पे ग्रैनी की इच्छा पूरी कर देता हूँ इसको मार के, ताकि ग्रैंडपा भी इसके पास आ जाए। ठीक है, इसको फेंक दे दरबार। बढ़िया ग्रैंड, तो ग्रैनी भरी तो बुड्ढा पहुंच लिया होगा। मेरी बीवी की उसे बहुत चिंता है ना, उसको अपनी बीवी की तो निभाए साला। डन, अभी देखो मेरे को ग्रैनी को भी एक जगह बुला के रखना है, तो मैं ट्रैप अपने साथ लेके जाऊंगा। नहीं, मैं ट्रैप भी यहीं फेंक रहा हूँ, मैं हाथ में लेके जा रहा हूँ अपना ट्रैंक्विलाइजर डार्ट। एक सेकंड, ओ ये रुको रुको रुको, पहले इसको यहाँ फेंक दो। ठीक है डन, मेरे को दे दो ट्रैंक्विलाइजर और इसका वेपन। ठीक है, इसको वहाँ फेंक दो। ठीक है डन, एंड अभी ग्रैनी को यहाँ बुला के मार देता हूँ। अरे ये मरी नहीं क्या? डोंट डू दिस प्लीज। बढ़िया गई। अब बुड्ढा और ग्रैनी एक जगह पहुंच जाएंगे, तो मेरे को नीचे और ऊपर घूमने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। एंड अभी तो मेरे को उसकी बुक भी ढूंढनी है कि उसकी बुक पूरे घर में कहाँ है। 15 सेकंड का टाइम है, क्योंकि ग्रैनी तो 15 सेकंड बाद पैदा होगी ना। यहाँ पे कुछ है, इसको करते बंद। इसमें कुछ नहीं है, इसमें दोनों में नहीं कुछ भी। ठीक है, ग्रैनी आ रही, ग्रैनी आ रही, ग्रैनी आ रही, ग्रैनी आ रही, निकल यहाँ से, निकल निकल निकल। मैंने यहाँ चलाई गोली ताकि ग्रैनी यहाँ पे आ जाएगी, बट थोड़ा दूर हो गया। चलो 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 डन। तो अभी आएगा बुड्ढा इसको देखने के लिए, तो मैं यहाँ से मैं पीछे से इसके निकल लूंगा। आलिया, बुड्ढा आ कहाँ से रहा, तो बस सिर्फ ये देखना है। अरे जल्दी आ जा मेरे भाई, क्या 5-10 साल लगाएगा। बढ़िया, देख लिया तो उसने देख लिया था। बढ़िया, आई थॉट कि उसने देख लिया, बट बुड्ढे तेरे को पता सारा है कि मैंने इसके पैर में घुसा दी सुई। अब ग्रैनी आएगी। बढ़िया, दोनों आओ मरो, और क्या चाहिए मुझे। ठीक है डन, अब यहाँ पे देख ले, अगर यहाँ कुछ पड़ा है तो पहले और बाद में चक्कर काटे पड़ेगा, तो अच्छी चीज़ नहीं है वो। ठीक है डन, नथिंग इज देयर मेरे भाई। यहाँ मैं यहाँ भी गिर गया, क्या कर रहा है तू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोनों को मैं कोने दबा के मारने वाला हूँ, क्योंकि दोनों यहीं आने वाले हैं। बी सेफ। वो वहाँ पे सामने स्क्रू ड्राइवर, मेरे को वो भी लेना है। एक सेकेंड, बुला ले। गया मैं। क्या कर रहा है तू, क्या। मैं चिपरा इधर, मैंने वो सुई मारने के लिए, भाई वो सुई मैं जस्ट शोर करने के लिए यूज कर रहा था, और मेरी वो सुई गई कहीं और दूरी। बुड्ढा आ रहा होगा, यहाँ पे बुड्ढा आता नीचे, कोई बैकयार्ड में गया है। संभाल के सामने से आया तो मैं कहीं मैंने कहा था ना बुड्ढा ऊपर आता है, नीचे आता है, बैकयार्ड से सीधा निकल के इधर आता गैराज में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो गाड़ी दहेज में दे रखी ग्रैंडपा। एक सेकंड, आई थिंक वो गाड़ी ग्रैनी को दहेज में मिली थी, तो ग्रैंडपा को उस गाड़ी से बहुत प्यार है। टैडी दोबारा लेना पड़ेगा, वेपन दोबारा लेना पड़ेगा, अपना वेपन है नीचे थोड़ा देख के। मैं बैठ रहा इधर, इधर बैठ के अपने, इधर बैठ जाओ अपने इस वाले छज्जे के नीचे, तुम्हें कोई देख नहीं सकता। देखो 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 कैसे भग रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं। बट मैं चिंता नहीं लेने वाला, मैं पहले देख लूं कि दोनों कहाँ का है। मेरे को लेना अपनी उस वाली ट्रैंक्विलाइजर डट को। ग्रैंडपा कहाँ है पहले दोनों की मेरे को लोकेशन देख लूं कि कौन कहाँ से आ रहा है, उसके बाद मैं यहाँ से कूदूंगा। ग्रैनी चलेगी अपने ऊपर, मस्त। ठीक है डन, बढ़िया। ग्रैंडपा आ रहा है आसपास, ग्रैंडपा ऊपर से आया शायद। देखो पूरा 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 वो क्या बाथरूम में। बढ़िया, सेफ हूँ मैं, चुपचाप से जाके ले ले, क्योंकि ग्रैनी बाद में आएगी। नहीं तो मारता बुड्ढे मेरे मुंह पे थप्पड़। कहाँ गया वो, ये यहाँ कैसे पहुँच गया। अब बुड्ढा निकल चुका होगा, एक काम कर दोनों को मारने का यही एक प्लान है। ग्रैनी या ग्रैंडपा दोनों को, एक को यहाँ पे मार देता हूँ। बढ़िया, इधर एक शोर करता हूँ, इधर और एक शोर करता हूँ इधर। बढ़िया, अब ग्रैनी यहाँ पे चेक करने के लिए आएगी, और जैसे यहाँ पे ग्रैनी मरेगी ग्रैंडपा उसके पीछे पीछे पहुंच लेगा, एंड उस सारे मैं अपना पीछे से वेपन कंप्लीट कर लूंगा। दैट इज वेपन एंड अपना ट्रायंगुलर डॉट। अब अंदर आना, मेरे मुझे दरवाजा खोलना पड़ा था। ठीक है डन, ग्रैनी 15 सेकंड में पैदा हो रही। ठीक है, इतने मैं अपना ले लूंगा जुगाड़ पानी। बढ़िया बढ़िया, जल्दी चक ले यहाँ से। चल ग्रैंड पर पहुंच ले उसके पास। बढ़िया, ग्रैनी पैदा भी होली। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब ये भागी भागी आ रही थी, सूटम सूट। तुमर तेरा पति आएगा। बढ़िया, 2 मिनट के लिए तुमसे मैं छोड़ा रहा पीछा, अपना बात खत्म। वो बुक कहाँ पे रखी है, वो मेरे को पहले वो बुक देखनी पड़ेगी, एंड उसके लिए मेरे को उसकी किचन छाननी पड़ेगी पूरी। किचन छानने के लिए ग्रैनी को जाल में फंसाना पड़ेगा, थोड़ा दूर बुलाना पड़ेगा इनको मेरे को, तभी मैं इनकी मैं वो किचन पूरी चेक कर सकता हूँ। तो गिर नीचे गिर। बढ़िया, अब ग्रैनी इसको चेक करने के लिए इधर आएगी और यहाँ पे मात खाएगी। बढ़िया डन, तो ग्रैंडपा वहाँ जाएगा, तो इतने में उसकी मैं पूरी किचन चेक कर लूँगा पीछे से। ग्रैनी पहुंच गई, ठीक है किचन में, पहले उसको मरने दो। मरना, वो मरी नहीं, उसको मरवाने के लिए जा रहा हूं मैं। इधर आ, अबे वो कहाँ गया मेरा वो। ठीक है, बुड्ढा इसके पीछे पीछे आएगा।
सिर्फ 15 सेकंड का टाइम है, ठीक है 15 सेकंड है, क्योंकि ग्रैनी रिस्पॉन हो जाएगी, बट इतने में कर लूंगा अपने गाँव। बुड्ढा पहुंचगा, ठीक है पूरी किचन चेक करके निकलना जल्दी से जल्दी, मैं मर सकता हूँ शायद, मेरा एक दिन वेस्ट हो जाए बट करना पड़ेगा। ग्रैनी कहाँ से? अरे मारा तो था इसको, मारा मैंने अभी। मुश्किल हो रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 14 दिन आ गया, इतनी मेहनत एंड इतने प्लांट्स लगाने के बाद भी डर रहा है ना, क्योंकि ये एक जगह घूमते रहते हैं। मेरे को इनको शॉटगन से मारना पड़ेगा एंड दिस इज द लास्ट प्लान, इसके अलावा और कोई प्लान नहीं बचा मेरा। चुपचाप इधर बैठ, अब इधर बैठ और यहाँ पे छुप जा, नीचे छज्जे के नीचे, दोनों कहाँ क्या जा रहे देख, एंड मुझे लेना अपना वेपन। ग्रैनी पहुंच गया एंड ग्रैंड पारा बैकयार्ड से, बढ़िया मैं अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बात करता हूँ, सेफ हूँ मैं, बढ़िया। आई हैव ए, क्या मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, ये यहाँ कैसे पहुंचा मेरा ट्रैंक्विलाइजर डट? इस गेम में कोई भी आइटम कहीं पे भी पहुंच जाता है क्या? इट मीन्स मेरा ट्रैंक्विलाइजर डट वहाँ पे भी नहीं मिलेगा मेरे को, ढूंढना पड़ेगा आई थिंक थोड़ा सा मेरे को। ग्रैनी को यहाँ बुला के मारता हूँ कि ताकि मैं अपना ट्रैंक्विलाइजर डट ले सकूँ, क्योंकि ग्रैंड पा उसके पीछे पीछे पहुंचेगा, ग्रैंड पा के हाथ से ले शॉटगन, बात खत्म। और यहाँ पे ग्रैनी को थोड़ा फंसाना पड़ेगा कि ताकि ग्रैनी मेरे को मारने के लिए यहाँ पे आए। तराटे गई, ठीक है बढ़िया 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 बढ़िया। अब यहाँ से निकल लो बहुत जल्दी, 15 सेकंड, ठीक है ग्रैंड पा पहुंच ले उसके पीछे पीछे, जल्दी निकलना भाई 15 सेकंड सिर्फ, मेरे को अपना वेपन लेना है, सिर्फ वेपन। ग्रैंड पे पहुंच ले उधर क्रॉस पे, ये पड़ा ठीक है डन, बस अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। ग्रैनी यहाँ पे स्पॉन हो जाती है समटाइम्स, बट इस बारी नहीं उधर, बढ़िया। अब मेरे को लेनी बुड्ढे घास से शॉर्ट गन, क्योंकि वो ज़रूरी हो चुकी है। पहले मैं ग्रैनी को यहाँ बुला रहा, उसको मार रहा एंड उसके बाद ग्रैंड पा को मार के उससे लेंगे शॉर्ट गन की, ताकि मेरे पास 30-30 सेकंड का टाइम मिल सके, ताकि मैं थोड़े बहुत अपने काम कर सकूं, क्योंकि अभी भी बहुत काम बचे पड़े भाई मेरे, बहुत काम। एंड 4th दिन है एंड आज ही लगभग सारा करना पड़ेगा कि ताकि 5 दिन एस्केप हो जाए, फालतू का लोड ना आए मेरे ऊपर डन, ठीक है। ये अपनी ग्रैनी, ठीक है अब बस ग्रैंड पा इसके पीछे पीछे हट यहाँ से, बढ़िया भाई ग्रैनी कति बुद्धि पड़ी अपने कमर के बल। बुड्ढा थैंक यू सो मच ग्रैंड पा, थैंक यू सो मच, थैंक यू बुड्ढे। अपनी टांगे चौड़ी करके नीचे पड़ा है। ग्रैनी को अब यहाँ बुलाता हूँ एंड अभी दोनों को मार के 30-30 सेकंड का टाइम बचाना, ठीक है। बट रुको यार, पहले मेरे को दोनों को एक जगह बुलाने के लिए मेरे को लेना पड़ेगा टैडी, मैं पहले टैडी लेके नहीं, नहीं टैडी लेके आऊंगा तो मेरे को पूरा चक्कर काट के फिर आना पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा कि दोनों को पहले मार ही देता हूँ। रुको पता नहीं क्या करना है, बट दोनों को एक साथ मारना पड़े तभी फायदा है। मैं ग्रैनी को यहाँ बुला देता हूँ, ग्रैनी को यहाँ पे बुला तो लूंगा, बट मुझे पता नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, आई डोंट नो। इसी बहाने में किचन पूरी चेक कर लूंगा। राटे वो मरी नहीं उससे ट्रैप से, मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई, ठीक है बढ़िया बढ़िया। ग्रैंड पा पहुंच रहे बैक यार्ड, बट इस बारी शॉटगन है तो दोनों को जल्दी निपटा दूंगा मैं, तो मेरे को इस चीज का डर नहीं है इस बारी शायद। या ओ वन इज द कोड, ओ यहाँ पे मिला मेरे को विंच अडल, बट एक सेकंड ग्रैनी आने वाली है तो मारना है, एंड बुड्ढा भी आसपास है तो दोनों जल्दी पहुंच जाएंगे। ग्रैनी कहाँ से आ रही है, अंधेरा और अक्का कुछ भी दिख नहीं रहा मेरे को। निकलो निकलो निकलो, शॉटगन में नहीं आया हूँ, उसको फेंक दिया उसे नीचे डन। 30 सेकंड का टाइम है, जो जो चीज़ मिली उसको उसके उसके आसपास पहुंचा देता हूँ कि ताकि मेरे को बाद में उठाने में इतनी दिक्कत ना, उसके उधर फेंक दे ठीक है डन। बुक यहाँ से मिलेगी, बुक लेके जानी ऊपर एंड पूरी किचन चेक कर लेते फटाफट से। कुछ नहीं है 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 कुछ नहीं है। ग्रैनी होगी जिंदा, ग्रैनी जिंदा हो चुकी, बगले यहाँ से बुक पहुंचानी, बुक भी जरूरी है। बुड्ढा बैक यार्ड में स्पॉन होता समटाइम्स, संभल के कभी मेरा वो मुंह पैक ना बचे। ये ले ठीक है, इसको इधर फेंक, ग्रैनी को बुलाने का एक तरीका, फेंका उसको ठीक है डन, किताब यहाँ फेंकी, बात करूं अब मैं ऐसे निकल रहा हूँ। ग्रैनी मरेगी तो उसके पीछे ग्रैंड पा भी पहला जाएगा, बढ़िया। मर जा 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 ना, मर गया ठीक है बढ़िया। बुड्ढा पहुंच गया उसके पीछे पीछे पक्का, आपके 2-3 घंटे पहुंचता है क्या वो उधर? बुड्ढे ने पहुंचने में भाई 2-3 साल लगा दिए उधर, मेरे को दोबारा मारा पड़ेगा उसको। ये देखो इस पागल बुड्ढे को, ये देखो साला, इसकी सासु तेरी सासु की। अब मेरे को इसके जाने का वेट करना पड़ेगा, कैसी है ये अनहोनी। अब यहाँ पे ग्रैनी भी आ ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे बुक फेंकी थी, अब बुड्ढा जाएगा तो यहाँ से अब ग्रैनी, अब यहाँ ग्रैनी आ जाएगी 1-2-3। अब मरना पड़ेगा तेरे को, रुक जा बुड्ढे, तू इतनी जल्दी तो नहीं जाने वाला ना, प्लीज इधर आ, बढ़िया ओके। अब ग्रैनी मरेगी, अबे मरना अब ग्रैनी के, ठीक है अब मैं इस बुक को थोड़ा आसपास फेंक के आ जाता हूँ एंड वहां से निकल लूंगा। बुड्ढा पहुंच लिया, क्योंकि टाइम इतना नहीं है एंड शॉर्ट कर भी लोड कर लूंगा इसी बहाने में, इसको यहाँ फेंक दे ऊपर, बढ़िया। वट एम आई थ्रो एंड मैंने बुड्ढे की शॉटगन कहाँ फेंकी है, ये बड़ी बुड्ढे की शॉटगन, बढ़िया। और अभी ग्रैनी को यहाँ पे उसका मैं गला घोट के मारूंगा तो बुड्ढा आएगा, आता है, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पर इधर बैक, ओ वाह व्हाट ए लोडेड। अब यहाँ पे अगर मैं ग्रैनी को बंद करूंगा ना तो ग्रैनी 2 सेकंड में आ जाएगी इधर,
जल्दी फेंक, जल्दी छिप जा, छिप जा। अब इसको बंद करते रहे, बुड्ढा पहुंच लेगा कि भाई मेरी बीवी कहाँ गई। देखना एक दो तीन और अब देखना, ठीक है बंद करा। ये देखो भाई इसको पता ना क्या चूल्हा, आजा आजा तेरी बीवी को बंद करा तो तेरे की चुरने हो रहे हैं। सुसरे फालतू बोलेगा मेरा आज्ञा। डन, शॉटगन का काम नहीं, इसको इधर ही फेंक दो। मेरे को चाहिए चाबी उसके हाथ से, तो अभी सिर्फ वो काम करना है। मेरे को चाहिए स्पैडर की, सब कुछ बंद कर दे। ग्रैनी जहाँ से वह उसको घंटा पता ना चले कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है बात करता हूँ, इसको रख। वो यहाँ पे पड़ा रिमोट और क्या चाहिए। ठीक है डन, यहाँ पे कुछ है, इसमें कुछ है नहीं है, इसमें कुछ है नहीं है। ठीक है बात खत्म, छिप रहा हूँ बढ़िया। अब एक ट्रिक अपनाने वाला हूँ कि मैं इस चाबी को लेके नीचे कैसे जाने वाला हूँ। उसी के नीचे मैं छिप जाऊंगा जो एक ग्रैनी की छोटी सी अलमारी है। डन, रिमोट यहाँ फेंकी ताकि मैं ग्रैनी की लोकेशन का पता लगा सकूं। बट मेरे को यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, तभी यहाँ से बाहर आने वाली है, इसलिए मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। इधर आ जा प्लीज, कम ऑन, थैंक यू सो मच ग्रैनी। बुड्ढा सामने से नहीं आ रहा, बुड्ढा नहीं आ रहा, बढ़िया। यहाँ छिपके मैं इधर, छिपके मैं इधर बैठ गया, बढ़िया, आई एम सेफ। ये अपने ट्रिक का, बट जब तक मैं वहां से नहीं जाऊंगा हमारी एंजेलिना स्पाइडर की नहीं फेंकेगी, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे बैठना पड़ेगा। चौथा दिन है तुम्हारा भाई, लगा पड़ा है एस्केप करने। एज़ ऑ गाइस, तो तुम लोग इतने करो सब्सक्राइब, तुम्हारे गेमिंग इंजीनियर को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ एंड सिल्वर प्ले बटन हम सबका। अब दोनों की लोकेशन देख ले कि कौन ऊपर कौन नीचे कौन बाहर की, ताकि मैं अपना नीचे से अपना ट्रैंकुलाइजर लेके आ जाऊं, क्योंकि एक ही वेपन है। ओ शॉटगन भी है, बुड्ढा हो रहा है साला, बैकयार्ड में जा। अरे ये मुझे सोचा बैकयार्ड, अबे तू नीचे क्यों जा रहा है बे, वहां तो मेरे को जाना है यार। बुड्ढा नीचे गया यार, मेरे को नीचे जाना। उसे चाबी थूक दी और अभी ग्रैनी चलेगी चाबी के पास, बट मेरे को जाना तो नीचे था, बट बुड्ढे ने शॉटगन ले ली अपनी। मेरे को जस्ट बुड्ढे के शॉटगन पिक करने की साउंड है, बट कोई बात नहीं, नीचे जाते मैं अपनी शॉटगन चख लूंगा। बट अभी बुड्ढा ऊपर आने में कितना टाइम लगाने वाला है, इसको इधर से यहाँ फेंक दे, क्योंकि इसका अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, वरना फिर मेरे को बाद में भी वो फेंकना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि उसका जहाँ काम है मैं उसको वहाँ फेंक दूँ। धरनाटे एंड मेरे को यहाँ पे कोई भी नहीं देख सकता, तुम देख सकते हो ना ग्रैनी ना ग्रैंडपा। बस मैं यहाँ से ग्रैंडपा के बाहर जाने का वेट कर रहा हूँ। धरनाटे पाड़ दिख रहे, धरनाटे धरनाटे ग्रैनी देख लिया। बट घंटा और रखनी पड़ता, क्योंकि वो मुझे नहीं मार सकती। ग्रैनी गई उधर, ट्रैप डाल के दोबारा मुड़ के वहां ट्रैप याद रखियो। ग्रैंड पा नहीं आया बाहर भाई, कभी नीचे जाऊं बुड्ढा फट दे सी मार देगा मैंने। बुड्ढा सो गया था, बुड्ढे का जस्ट मेरे को भी शॉटगन चकने का साउंड आया। बुड्ढा वहां सामने सोता है जहां पे टीवी है ना, उधर मेरा वेपन शोर करा, ग्रैनी आएगी नीचे और अभी दोनों को मार दूंगा, बात खत्म। एंड ग्रैंडपा के हाथ से शॉटगन लेनी बहुत जरूरी है। एंड ये वाला ग्रैंडपा भी ग्रैनी 3 की तरह शॉटगन पिक एंड ड्रॉप करता है। इधर मुन्नी, मुन्नी पता नाम हुई डार्लिंग तेरे लिए बेचारी। शॉटगन मार दी थी भाई, सच्ची सच्ची कह रहा हूँ, इसने मेरे को शॉटगन मार दी थी, सच्ची कह रहा हूँ। मैं गया था 2 सेकंड के लिए, मैं गया था, बट ग्रैनी दोबारा पैदा होगी होगी। कैसे बेटे, बढ़िया हूँ आप ग्रैंडपा जी, बढ़िया। बट एक सेकंड, इसको यहाँ फेंक देता, मैं जो शॉटगन यूज करता हूँ उसका पीछे का पोर्शन निकल जाता है। मतलब यार व्हाट टाइप ऑफ डिटेलिंग, वाओ। ग्रैनी रिकैप्चर्ड, ग्रैनी आ रही है, इसकी तर्राटे स्टडी लेना पड़ेगा। इसको फेंक इधर से, ठीक है डन। अपना ले क्रॉसबो एंड अपना ले ट्रैंकुलर डार्ट। ग्रैनी को इधर शोर कर बुला लेते ताकि ग्रैनी इससे दूर जाना पाए। एक सेकंड, मैं इसको मार देता हूँ कि ताकि अगर ग्रैंडपा भी मेरा पीछा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ टैडी को लेने। तो टैडी को लेने जाऊंगा तो थोड़ा सा मेरे को घर का चक्कर उक्कर काट के आना पड़ेगा, तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो सकती है चीज़ें। ठीक है, ठीक है। बट अपने हाथ में वेपन है, इसको मैं यहाँ पे शोर कर दूँ कि ताकि ग्रैनी अगर दोबारा भी रिस्पॉन होती है तो ग्रैनी वहाँ पे पहुंच जाएगी बैक साइड तक, ताकि मेरे को थोड़ी टेंशन ना रहे। ठीक है डन, चलो। शोर तो मैंने बतेरे कर दिए, बस अब मेरे को टैडी लेना है वहाँ से कैसे ना कैसे। एंड इसके साथ इसके पास मास्टर के ले लूँ क्या? ये भगवान, ये इधर आस पास ही भटक रही थी क्या? आ जा भाई, ये इतना घूम के क्यों आ रही थी? अब जाने देना मेरे को। अब बुड्ढा आएगा, मेरी बीवी को क्यों मारा? तो अभी मेरे को इसको थोड़ा इसको पीछे से मारना पड़ेगा। जल्दी आ भाई, इतना तेज दौड़ते हैं फिर भी पूरा घर क्रॉस कर रहे हैं, इनको 10 सेकंड से फालतू का टाइम लग रहा है। ये देख, ये देखो इसका। अरे पीछे हूं मैं बुड्ढू तेरी सासू की। ये ले भाई, मैं इसको फेंक के मार दे बुड्ढे को। अब ग्रैनी को यहाँ बुला लेता हूँ प्यार से। ग्रैनी जी आप इधर आ जाइए प्लीज। चली गई ना पक्के यहाँ से। बुड्ढा और इधर पानी में भी स्पॉन हो जाता है समटाइम्स, तो मैं सारे दरवाजे बंद कर देता हूँ एंड अपना टैडी लेने का जुगाड़ करता हूँ। ग्रैनी पहुँच के नीचे, डन। यहाँ पे क्रैकिंग होती होती, बट मेरे को डरना नहीं है, जल्दी टैडी, क्योंकि इसके सहारे में दोनों को एक जगह इकट्ठा कर सकता हूँ। जल्दी भग जाए यहाँ से, दोनों भग रहे हैं। ठीक है डन, टैडी मैंने ले लिया। अब दोनों को मैं एक जगह रख सकता हूँ और मेरा यही प्लान है, अगर दोनों एक जगह आएंगे तो दोनों को मैं सेम टाइम पे मैं मार भी सकूंगा, कि ताकि मेरे को 15-15 सेकंड दोनों के लिए सेम मिल जाएगा। गए दोनों, बढ़िया। पहले तू मर और फिर पीछे तेरा पति, पति को मारू, पति पति
पति नहीं मरा क्या? अब ओ भाई पति को गोली नहीं लगती, पति को ठीक है। अब इसको यहाँ पे शोर कर दूं ताकि करे नहीं, दोनों कैसे मर गए इधर? हां तेरी सास होगी। ग्रैनी को देख बुला लेते हैं, बट मैं टैडी चकना पड़ेगा फिर से। टैडी इतना दूर टैडी चला गया भाई, मैं टैडी को यहाँ से उठा ही नहीं पा रहा यार। ये क्या बदतमीजी यार, मैं टैडी को नहीं उठा पा रहा। बुड्ढा पानी में स्पॉन हुआ है और अब हमारा बुड्ढा यहाँ से आने वाला है। इधर से आके बुड्ढा देखना क्या कर रहा, भग जाए यहाँ से भाई, क्योंकि मैंने वहाँ पे शोर कर दिया, वहाँ पे ग्रैनी भी तो आएगी पागल। अब मेरे को यहाँ से भगना पड़ेगा, कैसे ना कैसे यहाँ से मेरे को भगना पड़ेगा। टैडी दूर चला गया, टैडी को मैं पिक नहीं कर पा रहा। देखो यार टैडी को मैं पिक ही नहीं कर, आज फंस गया, आज मैं बहुत बुरा फंस गया घर के अंदर। पहले तू आ निकल, अरे इन पर लगता लुकता नहीं गए, एक सेकंड अब लगेगा। ठीक है डन। और अभी इसको देखने के लिए पीछे से पहुंचा ग्रैंडपा, अभी मैं वहां से निकल रहा हूं। पहुंचा मेरा भाई, पहुंचा अपनी बीवी की जान मान आन बान शान बचा। ठीक है, और अब मैं उसी सीक्रेट जगह जाके मेरे को छुपना है। ग्रैनी कहीं से भी टपक सकती है, मैं जा रहा इसलिए लेफ्ट से। ग्रैनी पहुंच ली उधर, यहां से बुलाया ग्रैनी को, पीछे हो जा थोड़ा, इतनी बार बुलाना पड़ रहा क्योंकि 15 सेकंड कम है भाई मेरे लिए बहुत। ठीक है अब इधर आ जल्दी। ओह स्पाइडर की, पहले ग्रैनी को मारता हूं, निकल यहां से। ठीक है इसको यहां फेंक देता हूं एज ए टेंपरेरी। बुड्ढा पहुंचेगा, चाबी ले ले यहां से, डन। थोड़ा छिप कर है, बढ़िया। अबे ग्रैनी को क्यों फेंक रहा है, चाबी इधर फेंक दे। अबे इतने एक साथ इतने काम क्यों कर रहा है, इसको इधर मार, इसके पैर पे गोली। क्या कर रहा हूँ भाई मैं, क्या क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। वो हो गया बुड्ढा, वो लेट गया जमीन पे। और अब इसकी बीवी देखने के लिए कि मेरे पति को किसने मारा। बढ़िया आजो 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 आजो, बढ़िया जी, मरो मरो मरो, इसको इधर फेंको। चाबी को पहुंचा यहाँ से नीचे, वो जरूरी था, इसको उठा लो। वेयर इज माय ट्रैंक्विलाइजर डर्ट की गोली, दे दे रहा। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, दोबारा आली होंगे। यहाँ पे बैठ जाए, इधर इधर बैठ जाए। ठीक है छुप के, बढ़िया। मैंने लगभग सारे काम कर लिए, बुक वाला काम हो गया, बस नीचे पहुंचना कैसे ना कैसे, बस उससे बच रहा। बट उसके लिए मेरे को व्हील क्रैंक भी देख लेता हूँ कभी, वरना फिर मेरे को बाद में आना पड़ेगा। और व्हील क्रैंक कहाँ मिलेगा मेरे को, स्क्रू ड्राइवर भी लेना था। बुड्ढा उधर जा रहा है, ओके भग सकता हूँ शायद, चल भग फिर। ओह बुड्ढे ने देख लिया भाई, डर लगता भाई साहब, डर लगता है। इसको इधर फेंक, ओके ग्रैनी को इधर मार देते हैं, बात खत्म, किस्सा ही खत्म। उठाई इसको, हल्का शोर कर, ग्रैनी उधर आके मरेगी तड़पेगी, बात खत्म। एक बार और करते फॉर कन्फर्म। अबे यार मेरी ये सुई, मेरी ये सारा काम बिगाड़ती, मेरी सुई जाना ही नीचे से, मेरा सारा काम बिगाड़ती मेरी ये सुई। क्योंकि ये सुई सुई करके कैसे निकल जाती। चल बुड्ढा पहुंच गया, ठीक है। अब मेरे को ट्रैंक, मेरे को व्हील क्रैंक नीचे से भी तो मिल सकता, व्हील क्रैंक मेरे को यहाँ से मिल सकता है। आई थिंक मैं देखा ना हो, यहाँ पे भी होता समटाइम्स। इधर नहीं है क्या यार? यार ये धुआं बंद करो यार, ये धुआं सब कुछ धुंधला धुंधला सा लगे, धुंधला धुंधला सा। यहाँ पे नहीं है व्हील क्रैंक, थोड़ी दिक्कत होगी अभी। आए तो मारना पड़ेगा भाई, जल्दी कर, तेज है वो, एक्सट्रीम मोड है, जल्दी जल्दी जल्दी। इसको मारूंगा तो ग्रैंडपा मछली की तरह तड़पता हुआ नीचे आएगा। मारूंगा नहीं, गेट बंद करते आ लेगा, क्योंकि उसका पता है कि भाई ग्रैंडपा मरने वाला, सॉरी ग्रैनी मरने वाली मेरी। डन। अब देखो बुड्ढे की रफ्तार, बुड्ढा सो गया मेरे ख्याल से, ग्रैंडपा हमारे सो गए इसलिए नहीं आया वो, वरना ग्रैनी मरे वो ना ऐसे हो नहीं सकता, सो गया वो पक्का। ओ मेरे पना लग जा भैया, अरे इसको इधर लगा बीच में, ताकि मेरे को ये और ये मिल जाए। डन। व्हील क्रैंक मेरे को अब तक नहीं मिला, हथौड़ा भी नहीं मिला। मैं एस्केप का कौन सा करने वाला मेरे को ये भी नहीं पता। टैडी का सहारा लेते दोनों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, तभी मैं चाबी लेके वहां से भग जाऊंगा। चलो टैडी का सहारा लेते दोनों को एक जगह इकट्ठा करता हूँ और निकलता हूँ फिर दोनों के पीछे से। बढ़िया दोनों को यहाँ करता हूँ इकट्ठा, बढ़िया। अब मैं जा रहा सीधा नीचे, और मेरे से जो एस्केप हो रहा है भाई मैं वो करूंगा, क्योंकि ये मेरे से बहुत लंबा हो रहा है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बढ़िया। ओ भाई ओ दोनों के क्या, ओ भाई फेंक दिया बुड्ढा, बुड्ढा हवा में उछाल दिया भाई, बुड्ढा हवा में उछाल दिया। चाबी ले और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, निकलूंगा तो कहीं से सेफ जगह से निकलना पड़ेगा। चाबी का जल्दी भाग, जल्दी इधर आ, ये तेरी आईसीयू तेरे पर, अब बोल आईसीयू, अब बोल, अरे मुंह पे मुंह। अब बुढ़िया इसके बारे धक्का, निकलो जी, तंग मत करो प्लीज यार, बहुत गंदा डरा दिया सच्ची कर, बहुत गंदा डरा दिया तूने मेरे को अभी। मैंने सोचा कि भाई अब मेरा क्या होगा, बट एक सेकंड रुको, मुझे अपने वहां से बाहर से बचने का तो थोड़ा वो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। हाँ मैं इसको यहाँ फेंक देता हूँ कि ताकि अगर मैं वहां से बच के आऊंगा वापस, मेरे पास मेरे ऑप्शन होंगे बचने के। क्या बदतमीजी कर रहा भाई, मेरे को ये पता लग रहा कि मैं उसके सीवर से बाहर आ रहा हूँ और फिर मेरे को बाहर आके फिर से इस घर में आके मेरे को बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ये डाला मैंने इधर ट्रैप, डन। अब वो इधर आएंगे एंड कोई ना कोई तो मरेगा एक पक्का, एक 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 तो गया, एक तो गया, एक तो मरो चालक। 5 4 3 2 1 0 कहानी खत्म, बढ़िया। ग्रैनी
कहीं से भी रैंडम स्पॉन हो सकती है। मेरे को डर है कि ग्रैनी यहाँ स्पॉन ना हो गई हो। ग्रैनी यहाँ से भग जा। सेफ सेफ से, मुझे लगा था कि मुझे किसी ने देखा ना हो। अब सिर्फ एक झटका काम करने का। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे रेंच पड़ा हुआ है। मैं करूँ कार एस्केप? मुझे नहीं पता, जो होगा जो होगा देखा जाएगा। मैं हुआ हूँ बहुत ज़्यादा डरा। हाँ मैं यहाँ से भी तो आ सकता हूँ, पर दोनों यहाँ से भी तो थोड़ा सा डराते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा। डन, रेंच के नीचे, बढ़िया। ठीक है, सिर्फ एक मौका मिलेगा, उसमें मैं कर लूँगा सब चेक। बढ़िया, इसके लिफ्ट, इसका एवरीथिंग, सब कुछ। इधर कुछ है, प्लेस की चाबी, ठीक है। डन, जो मिल रही है फटाफट से इधर से। अरे यहाँ नहीं फेंकनी, इधर फेंकनी। डन, यहाँ पे देख, यहाँ पे कुछ है, इधर कुछ ना कुछ काम को मिलेगा। ठीक है, इधर ये मैं पहले कर देता हूँ, वरना बाद में मेरे को शोर से दिक्कत। इधर कुछ है, मीट, बढ़िया। अब वो सामने से आ रही होगी पक्का, उससे बचना मेरे को। ठीक है, बच गया। अब वो कहाँ, ओ आई थिंक यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ। एंड यहाँ पे लगेगा व्हील क्रैंक। अब वो आ रही उल्टी, अब वो आ रही उल्टी। अब यहाँ से भग लो, ठीक है, राइट को। अब वो आ किस तरफ रही, ओह मेरे को उसको नहीं दिखाई देना, मेरे को उसको नहीं दिखाई देना। एंड उसने मेरे को नहीं देखा, ठीक है। डन, हम उसके पीछे से, पीछे जल्दी कर। ओह दो काम है, एक इधर, यहाँ पे इंजन। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कार एस्केप होने वाला है। अब वो गई ऊपर, गई, सॉरी सॉरी, वो गई लेफ्ट को, ठीक है। डन, अब मैं चुपचाप जाके अपनी लिफ्ट का काम करके आ जाता हूँ। एंड अपनी लिफ्ट का कोड है 1, दैट इज 1 और 2 में से एक जगह और रहती थी। जो होगा मैं तो भाई मैं वो कर रहा हूँ। डन, चलो भाई कितना मुश्किल हो रहा है, मुझे पता मैं कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भाई। यहाँ वहाँ इधर उधर इधर बहुत चीज़ें। मरीज का कोड, डन। अब यहाँ से निकले चुपचाप से फटाफट से। चलो भाई थोड़ा मुश्किल है, बट करना पड़ेगा अपने को, करना झेलना पड़ेगा थोड़ा सा। वो सामने से आ सकती कभी भी, उसके चलने के फुटस्टेप्स नहीं आ रहे। सामने, बच के, थोड़ा बच के। एंड इसके लिए मेरे को चाहिए था स्क्रू ड्राइवर, बट मैं लाया नहीं, नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा, ठीक है। डन, अब देख ले अच्छे से कि वो है कहाँ पे, उसके हिसाब से मैं अभी मैं जाने वाला हूँ। अब वो आ रही, इधर ही आ रही है। अब वो बीच में रुक गई, नहीं दिखाई देना, बहुत शोर करेगी, कान में घुस जाएगी। मेरे को इसको एक बार भी नहीं दिखाई देना अपने आप को। किधर गई, उल्टी घूम गई क्या ये, दोबारा उल्टी चली गई। मेरे को भी वहीं जाना है, इसके पीछे से निकल लूं क्या। बढ़िया रे लौंडे, बढ़िया। अब सारी चीजें यहाँ पे बारी बारी फेंक देता हूँ। एंड मेरे को यहाँ से बहुत सारा सामान मिल गया, एक्सेप्ट दो चीजों के। अरे नीचे जा गधे, बढ़िया। अब वहाँ पे ग्रैनी पहुंचने वाली, तो मेरे को उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि वो वहां से जाएगी। मीट ले तू, मीट बगल में थी भाई। अब यहाँ से चकले मेरे को क्या लेना, इंजन का पार्ट। एंड यहाँ पे प्ले आउट की चाबी है, बट मेरे को अब तक हैमर नहीं मिला। मेरे को व्हील क्रैंक ढूंढ के लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अब जाना नीचे, बढ़िया। अब ग्रैनी सोच रही होगी कि बार बार कौन सामान फेंक रहा कहाँ कहाँ से। प्ले आउट की चाबी, ठीक है। डन, बट मेरे को अब तक हैमर, बढ़िया। अब इसके जाने का वेट करता हूँ, बट मेक श्योर दैट अब ग्रैंड पास सामने से ना जाए, मेरा दिन की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। डन, अबे छोटी मकड़ी कैसी है तू। अब ग्रैनी गई यहाँ से, वो ग्रैनी वहां पे चलेगी। जाने का वेट करो इसके, आराम। ये मेरे को देखना ले भाई प्लीज, नहीं जाने दो उसका अच्छे से, पहले प्यार से जा। इसके जाने के 10 सेकंड बाद, एंड ये जाती है शायद लेफ्ट से जाती है, कूदा, बढ़िया। अब टॉर्च ऑफ कर ली, बट अब बस ग्रैंड पास की थोड़े फुटस्टेप्स देख रहे मेरे को। बुड्ढा रुका हुआ कहीं ना कहीं पे, संभल के, बुड्ढा सामने भी खड़ा होता है। बचा ले बस इस बारी, बचा ले। थैंक यू सो मच भगवान मुझे बचाने के लिए। आई एम सेफ गाइस, आई एम सेफ। और मेरा ट्रैंक्विलाइजर, मेरा वो कहाँ है, मेरा वेपन और वो भाई मेरे में क्रॉसबो, पकड़ दोनों को। देख लिया। इधर आओ। बढ़िया, जहाँ भी रो मेरे को अपने क्रॉसबो से मतलब है यार, बात खत्म। मेरे को वहां से बहुत सारी चीजें मिली है, तो अभी मैं वहां से नीचे बैकयार्ड में लेके जाता हूँ। एक तो मिला था मेरे को वाटरमेलन, जल्दी ले उसको। वाटरमेलन कहाँ गया, वो गाड़ी के नीचे चला गया वो भाई, ये क्या चीज हो रही है। कोई बात नहीं, डन, देख लेंगे जो होगा। ग्रैनी को उधर बुला लो कि ताकि ग्रैनी मुझे तंग ना करे बैकयार्ड में। एक सेकंड, बुड्ढा बैकयार्ड में घूम सकता है, शक है मेरे को। बुड्ढा बैकयार्ड में घूम सकता है, मेरे को बुड्ढे पे शक है। देखा बुड्ढा बैकयार्ड में था। दोनों यहाँ जाओ प्यारे बच्चो, ग्रैनी आ गई। दर्राटे पार दूंगी, ठीक है। ग्रैनी आ चुकी, अब बारी ग्रैंड पा, बढ़िया। अब दोनों हो चुके शांत, अरे शांत हो जाओ, बढ़िया। दोनों के शांत, बढ़िया। पक्का ना कभी बैकयार्ड में पहुंच जाओ मेरे पीछे। डन, काटा क्या मिला, पेडलॉक के। डन, मेरे को यही चाहिए थी क्योंकि ताकि हम कार एस्केप कर सके शांति से। ग्रैनी आ चुके, बढ़िया। आओ जी, आज तुम आए, बाहर आई और क्या चाहिए, तुम इधर आओ, तुम मरो, सड़ो इधर, तुम जो कर रहा तुम करो, बात खत्म। अब मर जाना, अब यही मरते क्यों नहीं है लोग। अब मर गई, ठीक है। डन, अभी ग्रैंड पास उसके पीछे पीछे पहुंचोगे। एंड इतने में नीचे वाला पेडलॉक वाला वो वाला ताला खोलाऊंगा। क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे एक चीज करने के लिए, बट ग्रैनी 15 सेकंड के लिए मरी है। सासुगी, और मुझे अब तक कार की भी नहीं मिली। डन, ग्रैनी स्पॉन हो चुकी और वो आ रही है। चाबी इधर फेंक, टैडी चकले की, ताकि दोनों एक जगह एक लोकेशन पे ले आऊं दोनों को। मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूं, मैं कुछ, एक सेकंड, मैं भूल तो रहा हूं। रुको, कहां जा रहे हो, इधर आओ। मैं गलती से थोड़ा सा अंदर वार हुआ तो दोनों मेरे को दर देंगे। अरे बस करो यार, शांत होता बुड्ढे यार, बस कर, मैं इधर ही हूं। अब शांत हो, ठीक है बुड्ढे। डन 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 डन, अब मेरे को काम करा, मेरे को लेना है विंड चटल चकना वहां से, बट इसके लिए भी बहुत क्रैकिंग होने वाली है भाई। ट्रैप इधर फेंको, पता नहीं क्या, मैं ट्रैप ला पाऊंगा नहीं, सॉरी विंड चटल। Ah!
अरे यार इतनी जल्दी कहाँ से आ गई। पांचवा दिन बहुत मुश्किल है भाई, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने सारी टेक्निक्स अपना ली, सारी टेक्निक्स। वहाँ पे छुप देख कौन गांव भाग रहा है, और आखिरी दिन है, रिस्क तो लेने का ही नहीं है। ग्रैंड पा के हाथ में शॉर्ट गन लग चुकी है, तो पंगे तू ले चुका है। अब मैं यहाँ पे छुप रहा हूँ, डन। ग्रैनी थी नीचे, ठीक है चलेगी। अब बुड्ढा गांव देख ले अच्छे से, और बुड्ढा मर गया बैकयार्ड में, तो ग्रैनी अपने पति को देखने चलेगी उसके पीछे पीछे। ये भी बढ़िया है। इसी बहाने में रिमोट का यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से कुछ मिल सकता है मेरे को। बैटरी, कार बैटरी मिलेगी मेरे को यहाँ से। बंद कर दो, ठीक है। अब मेरे फ्री स्टेप गए, मेरी बैटरी को फेंक देता हूँ इधर। जल्दी ग्रैनी आस पास है। गधे क्या कर रहा तू, आखिरी दिन है तेरा। अपना क्रॉस पर चकले बस। अब टैडी तो उधर है ही नहीं भाई। बुड्ढा बैक यार्ड में स्पॉन होते मर गया। और क्या चाहिए तुम लोगों? बुड्ढा वहाँ से जा रहा था, दोबारा देख ले, वो यहाँ पे तो नहीं है ना। ओ भाई, वरना मैं भागने का भी नहीं रहूंगा। उसके इधर गैर न, उसके इधर बीच में थे। डन, बढ़िया। आएगी तो मरेगी, बढ़िया। अब ग्रैनी मरेगी तो बुड्ढा उसके पीछे पीछे पहुंच लेगा, ठीक है। डन, कार एस्केप कर रहा है अगर हुआ तो। ग्रैनी मरी, बुड्ढा उसके पीछे पीछे। 3, 2, 1, वेट करते थोड़ा सा। गई बुड्ढी, बढ़िया, पहुंच लिया। बैटरी दे दो मेरे को इधर, थैंक यू। इधर ये मैं काम कर दूँ थोड़े बड़े, इसके बैटरी इधर लगा दे, ठीक है। डन, स्पार्क प्लग मेरे को अब तक नहीं मिला। इंजन पकड़ ले, इंजन लगा देता हूँ तो इधर से, ठीक है। डन, इंजन कोई नीचे तो नहीं आ रहा है पक्का? नहीं, कोई मेरे आसपास नहीं है। क्रॉस बो ले, अपना ट्रैंकुलाइजर ले, वेपन हाथ में, बट थोड़ा सा बी पेशेंस। मेरे को अब तक स्पेशल की भी नहीं मिली है। व्हील क्रैंक देखना पड़ेगा, ये कहाँ चला जाता है इसका ही नहीं पता भाई। तू मरने के ना अपने जुगाड़ अपने हाथ से ढूंढ रहा है ना, ट्रैप लग रहा है ना। अब ये मरेगी तो फायदा इससे। मार देगी मुझे, ज्यादा बाहर ही जा सकता है। ए भगवान, इधर आ। अबे तू गिर जा, बढ़िया। दर्राटे, अरे क्या मैं कति तड़पा दिया नमाज। अब मेरा क्रॉसबो कहाँ गया? इसको यहाँ पे घेर दे वरना शोर करेगा पागल। अब मर जा, मर जा। इधर आओ। अब बुड्ढा आ लिया पीछे पीछे इसके। छोड़ इसको, मैं अपना रेंज का काम कर रहा हूँ जाके उधर, ठीक है। बाई चांस ग्रैनी यहाँ पे स्पॉन होती है तो दरवाजा बंद होना चाहिए ताकि ट्रैप ना हो रास्ते में कोई भी। भाई रेंज इधर फेंका था मैंने, ठीक है। नट स्क्रू सारे टाइट कर देता जो कि मुझे इसके आर पार दिख रहे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्पार्क प्लग कार की चाहिए, बस अपना काम हो गया। यहाँ पे कोई नहीं, बढ़िया। इसका एंड इसका भी कोई काम नहीं, ठीक है। डन, इसका यूज करते हैं। ग्रैंड पर डोंट से दैट कि तुम यहाँ पे हो, कह दो तुम यहाँ पे नहीं हो, होगा भी तो भाड़ में जाए। डन, क्रॉस पकड़ यहाँ से, ग्रैनी आने वाली, अपने ले ले सुई, निकल ले यहाँ से पहले, वरना मेरे को दी तोड़ेगी, ठीक है। पहले उसके आने दो, हल्का हल्का शोर बस। डन, अच्छा 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 अच्छा। अरे कहाँ भाई, ये कहाँ का, वो उल्टा घूम के जा ली थी, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ग्रैनी के तो अभी बुड्ढा उसके पीछे पीछे पहुंच लेगा, और क्या चाहिए, ठीक है। इसको इधर गेट देता हूँ कि ताकि इसका शोर ना हो इतना। बुड्ढा पहुंच ले ग्रैनी की याद में। बुड्ढा सूटम सूट हो रहा है। प्लेयर्स की चाबी मिली थी? हाँ हाँ, यस यस, इसको इधर फेंक। प्लेयर्स की चाबी मेरे को वहाँ से मिली थी। कोई नीचे आ गया, मुझे लगा मेरे इधर आ गया, बट आई एम सेफ। ग्रैनी प्लीज मेरे को डिस्टर्ब मत करना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अगेन एंड अगेन। स्पार्क प्लग के चक्कर में इतना चक्कर काटा पड़ गया। ग्रैंड पा का वास पड़ा उधर, कहाँ छिपा के ग्रैंड पा का वास मिल गया। ओए कहाँ ग्रैंड पा का वास मिला मेरे को। वाओ, आ तो गए दोनों, आए ना इधर ना, सिर्फ एक ही आया, बट ये दोनों मेरे को इसकी छत फाड़ के ना मार दे कभी। इसके लिए दो कोगविल चाहिए ताकि ये पूरा रोटेट करेगा और काम करेगा। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। पहले उसको गेट खोलने दो ध्यान से, फिर मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, ठीक है। गई, आवास के सारे दोनों को एक जगह बुला सकता हूँ। अब मेरे को टैडी की जरूरत नहीं है, मेरे को अब दोनों को बुला सकता हूँ, ग्रैनी ग्रैंड पर दोनों को। वाह, व्हाट अ ग्रेट एंड सिक्योर आइडिया। ये ले, दोनों को मार के फिर यहाँ से निकलूंगा। तू निकल यहाँ से। डन, ग्रैंड पा यार क्या मारू, वैसे भी उसको सुनता नहीं है तो फायदा मेरा। वो उधर पहुंचते बहुत 15 सेकंड का टाइम है मेरे को, वहां से लेना अपना विंच हैंडल। लास्ट टाइम मैं ले नहीं पाया था, रह गया था मैं। इस बारी प्लीज, ये पड़ा इधर, ठीक है। डन, बिना क्रैकिंग करे मैं यहाँ से निकल लिया। और क्या चाहिए अब, ये कभी भी आ सकते हैं, कभी भी कोई भी घुस सकता है बैकयार्ड में। जल्दी कर ले इसका काम फटाफट से प्लीज। मुझे यहाँ से कुछ जो आइटम मुझे अभी चाहिए वो मेरे को मिल जाए, बस हैमर दे दो। हैमर कुछ है, कुछ है, जल्दी घुमा। हैमर 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 हैमर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये हैमर लेना, बढ़िया हैमर मिल गया भाई। रो रो के एक हैमर चाहिए था, वो दे दिया भगवान ने मेरे को। डन, ग्रैनी इधर आते मर जाएगी, और क्या अच्छी, ठीक है बढ़िया। एक बार और कर देता हूँ शोर इधर, ठीक है। मैंने वहाँ पे 2-3 बार शोर कर दिया, वो उधर पीछे बैक साइड से पहुंच जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे को ये हथौड़ा लेके जाना ऊपर। अरे यार कोई मरा नहीं क्या, कोई मरो, कोई तो मरो इधर आके, इधर आउट ट्रैप पे, ठीक है। ग्रैनी मर जाएगी तो बुड्ढा उसके पीछे पीछे पहुंच लेगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0, पहुंच जाना। मेरे को दोनों को यही मारना पड़ेगा, रुको। जाते जाते कोक विल भी ले जाता हूँ।
ट्रैप ले रहा हूँ यहाँ से। वास के सहारे दोनों को बुलाता हूँ, दोनों की गुद्दी झपता हूँ अभी, बट दोनों एक साथ आने चाहिए वो ज़्यादा जरूरी है। ट्रैप के सहारे न ही लो बुड्ढा हो रहा भाई, बुड्ढा तो आ गया हमारे, बुड्ढे जी थैंक यू सो मच बुड्ढे। इधर मरोगे नहीं मरोगे, छोड़ो इसको, छोड़ इसको, फेंक इस साइड बगल में, इससे मार देता हूँ। अबे बुड्ढे इतने ग्रैनी निकली इतने जानी, तू भग लिया, दोनों के एक साथ मरना है, तू मर पहले ठीक है। अब यहाँ तू यहाँ से हट, जल्दी हट जल्दी यार, इसने बुड्ढे का सहारा ले लिया। अब ए भगवान क्या कैसी है ये अनहोनी, बुड्ढे का सहारा लिया, बुड्ढे को नहीं मार सकता, ओ बुड्ढे को अब लगा, बट इतने में ग्रैनी जिंदा हो ली होगी। चलो इसी भगवान ने हाथ से इसके शॉर्ट गन ले लेता हूँ और एमो लोड कर लूँगा, बात खत्म। और ग्रैनी को यहीं पर घोट के मार दिया यार। इधर डेरा ट्रैप, इधर ये गरा वास, अब ये मर जाएगी उसके सहारे एक सेकंड, और अभी ये जैसे मरेगी तो इतने बुड्ढा टपक लेगा, तो बुड्ढे के लिए डबल शोर कर देता हूँ कि अगर बुड्ढा स्पॉन भी हो रहा है तो बुड्ढा आके उससे मर जाएगा। 15 सेकंड का टाइम है मेरे को पहुंचना है ऊपर, बट इतने ही सेकंड में मेरा ना हो पाएगा, कोई फायदा नहीं है, बुड्ढा बहुत लेट आ रहा है। इनको बैक साइड से मारना पड़ेगा कि ताकि अगर मैं घूम के भी आऊँ तो उनको बैक यार्ड का गेट खोलने में टाइम लगेगा। इधर ही मारना पड़ेगा इनको मेरे को, इसको उधर से गेयर, जल्दी जल्दी घुसा जल्दी, यहाँ पे खड़ा रह गया था, मर गया मर गया मर गया मर गया। अब यहाँ से निकल ले पीछे से हैमर लेके, क्योंकि हैमर का 2-3 जगह काम है, तो यहाँ जल्दी निकल ले इधर से। इतने ग्रैंड पा उधर पहुंचेगा, पता नहीं ग्रैनी मरी ग्रैंड पा, आई डोंट नो। ऊपर पहुंचे फटाफट से, ओ ग्रैनी मरी, सारे गेट कर दे बंद ताकि उनको आने में भी उनकी 100 पुश्ते लग जाए पहुंचने में भी। ठीक है डन, इसको यहाँ से ले, फट्टा चक फट्टा लगा, ग्रैनी आ रही भागी भागी, जल्दी जल्दी बढ़िया। अब इस हथौड़े का काम तो खत्म हो गया, बट डर है अब भी, पहले इनको यहाँ से जाने दो, फिर यहाँ से निकलूंगा एंड फिर यहाँ से दोनों काम करूँगा। ठीक है, ये हथौड़ा अगर यहाँ फेंक दो तो इधर कोई बात नहीं, सिर्फ एक शोर होना तो वो हो गया, कोई बात नहीं। और पहले इसको जाने दो कि ताकि मैं वहाँ और वहाँ दोनों जगह चेक कर सकूँ, बट दोनों जगह जाने के लिए मेरे को इनको मारना पड़ेगा भाई। ग्रहणी पूरा चक्कर काट के गई वहाँ से, टिकट बस वैसे बुड्ढा ना आ रहा हो प्लीज बुड्ढा। इसके हाथ में शॉर्ट गन कहाँ से लगी? ओ नहीं, मुझे लगा इसके हाथ में शॉर्ट गन है। ग्रैंड बोल तेरी सासुगी, बोल ओ लला चोनन है। बुड्ढा श्री जी यहाँ से जा चुके हैं, बट अब मेरे को जाना है हमारे स्लैंडरी ना के रूम में, बट मैं वो नीचे से वो गेट बंद करके आऊंगा पहले, कि ये दोनों आते जाते रहेंगे तो यहाँ पे शोर होता रहेगा, ताकि इनको ट्रैप आ गया, ट्रैप पड़ा रास्ते में, मैं नहीं जा सकता, ट्रैप आ गया रास्ते में। जल्दी कर, कोई कभी भी ऊपर आ सकता, कुछ है काम का, वायर कटर बढ़िया, बट ये सिर्फ एक जगह काम आने वाला उधर सामने। पहले मैं इसको तोड़ता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ तोड़ देता हूँ इधर से। ग्रैंड पा बाहर आ गया वहां से, मुझे लगा कोई आ रहा है यार ऊपर, भागा भागा। अबे बुड्ढा बुड्ढा छत टूटने में ऊपर आता है, अरे यार इसका तो मेरे को इधर नीड है। अब मैं इसको यहाँ से फेंक रहा नीचे, हथौड़ा गया नीचे, तो ग्रैनी गया अपने नीचे, देख कहाँ से कौन, देख बुड्ढा गया वहां से। ठीक है डन, अब मैं यहाँ से बिना क्रैकिंग करे जा सकता हूँ तो बढ़िया है, प्लीज़ क्रैकिंग मत कर भगवान प्लीज़। गए काम से, फंस भी गया, फंस गया फंस, जल्दी 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 खोल भाई, देख लिया, जल्दी जल्दी, गया गया गया, दोनों आ गए, गया मैं, कुदा बढ़िया, जल्दी उठ, शाबाश शाबाश, इसकी सासू की बंद कर, बढ़िया 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 बढ़िया। ओ भाई ओपी ओपी, अब मरो सुसरो तुम, मरो, निकल यहाँ से। ग्रैनी सासू की साली, इस पे लगता क्यों नहीं है, क्या क्यों लगा ही नहीं, बुड्ढे के हाथ पे छूके निकल गया वहां से, बचा कैसे आई डोंट नो, कैसे बचा आई डोंट नो। ठीक है, मैंने वहां कर दिया शोर, दोनों में से कोई भी मरेगा वो उधर उसको देखने के लिए पहुंच जाएगा, मैं व्हील करेंगे लेके जा रहा नीचे, बात खत्म। एक सेकंड, ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है ऐसे बात नहीं मरेगी, ठीक है पता क्यों, क्योंकि मेरे को ट्रैंक्विलाइजर इधर नीचे, क्योंकि मैं वहां से भाग के आऊंगा तो मैं इधर से आऊंगा, ठीक है डन, तो उसको वहां से फेंकना मेरे को नीचे, अब मारूंगा इनको मैं, रुक जाओ एक सेकंड, शॉटगन मेरे को नहीं चाहिए अभी, एक सेकंड रुको 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 रुको, अब मैं जा रहा बैक साइड से। ठीक है, मरेगा एक लेकिन भुगतेंगे दोनों, इधर आओ इधर आओ, बढ़िया बात खत्म, मेरा किस्सा खत्म, दोनों में से एक मरेगा, किस्सा खत्म, चलो मरो मरो, ठीक है मरा मरा मरा, दोनों में से एक गया, बढ़िया। अब ग्रैनी वहां पहुंच ली उसके पीछे पीछे, बढ़िया। अब मैं चुपचाप यहाँ से कूद के निकल लूंगा, बहुत जल्दी निकल लूँ, ठीक है डन। अब आओ कौन सा आ रहा है, ये निकला, एंड इसी के साथ अपने सीवर एस्केप के सारे काम खत्म हो जाएगा, बट इसकी भी मेरे को प्रॉपर मूवमेंट देखनी पड़ेगी कि ये कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, वरना भाई इसके हाथों भी हो जाएगा मेरा, हो जाएगा मेरा, बच के सेफ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है डन, ओह ये गई लेफ्ट को गई एंड मेरे को जाना था राइट को, ठीक है बढ़िया बढ़िया करा इसने, बढ़िया करा, मेरी किस्मत अच्छी है, शायद आज एस्केप हो सकता है, आखिरी दिन ही सही, जेल खोल दे बढ़िया, अरे जेल खोल बढ़िया। अब वो गई सीधी, वो जाती सीधी है, वो कभी भी जेल के अंदर नहीं जाती, ये अपनी जेल खुली, ठीक है डन। अब यहाँ से मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ काम का जो मेरा रह रहा है अब तक, कुछ नहीं है, शायद वहाँ पर मिल सकता, शायद इधर होगा पक्का, कोक बिल बढ़िया। अब वो वापस घूम के आ रही है, बट देखना पड़ेगा कि कहाँ आ रही है, बट वो यहाँ से दिख जाए, नहीं दिखेगी मेरे को यहाँ से, देखना पड़ेगा क्या, थोड़ा पास जाके
वो गई लेफ्ट को गई है, वो शायद लेफ्ट को गई, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, वो यहाँ पे रुकती है। नहीं, वाओ, बिना देखे उसने मेरे को अब तक एक बार भी नहीं देखा। ठीक है डन, अब यहाँ से जा तो रहा हूँ मैं, बट कोई नीचे आने वाला अभी बहुत गंदे तरीके से। मेरा कोकिल पड़ा नहीं इधर, सब पड़ा है, बढ़िया। दोनों को बारी बारी मार एंड यहाँ से अपना काम कर। ठीक है, मरना नहीं है भाई, प्लीज मरना नहीं है, मरना। निकल, बुड्ढा आएगा, ठीक है, शांति से, शांति से, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, आजा आजा आजा, इधर ही मार दूंगा रास्ते में, क्योंकि बहुत टाइम लगा रहा है, बहुत देर लगा दी, इतनी देर में तो ग्रैनी दोबारा पैदा हो गई। सॉरी भाई, प्लीज मैं तेरे यार, अब जाने तो दे। ग्रैनी वाले नीचे संभल के संभल के संभल के, ग्रैनी भाई भाई आ रही है, बढ़िया, सेफ 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 सेफ। तुम्हारे भाई को वहां से मिला था कोक व्हील, तो अभी मैं ग्रैनी ग्रैंडपा को इधर बैक साइड से बुला लूंगा, बात करता हूं इसको, इधर गिर दे, क्योंकि अपने पास दो दो जुगाड़ इधर, पता, एक तो इधर ट्रैप ट्रैप गिरा एंड एक इधर वास्को उठा के ऐसे फेंक दो, बढ़िया। दोनों में से एक मरेगा बट दोनों पहुंच जाएंगे एक जगह पे, बढ़िया, पहुंच गया, बढ़िया। अब ये पहुंच गई ग्रैनी एंड बुड्ढा पहुंच गया, ठीक है डन, बढ़िया। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एंड मेरे को वहां से मिला कोक व्हील, बढ़िया। और क्या चाहिए, ठीक है, कोक व्हील किधर फेंका था, ये रहा डन, ठीक है, अपना काम, अपना अभी प्ले ऑफ का काम हो चुका पूरा। बुड्ढा जिंदा भाई, बुड्ढा जिंदा रह गया, ग्रैनी को यहाँ बुला ले, बढ़िया। ग्रैनी बिखर गया टुकड़ों में एंड शायद ग्रैंडपा वहाँ से जा चुका है, ग्रैंडपा गया है ना पक्का। इधर शोर क्यों कर दिया तूने, गधे आदमी, क्या कर रहा है? वो गलती से गिर गया भाई, पक्का, सॉरी, गलती से गिर गया, गलती से गिर गया, गलती से गिर गया, गलती से गिर गया। ग्रैनी फिर इधर आएगी, ग्रैनी मरेगी, ग्रैंडपा मरेगा, कोई बात नहीं, मारना तो ही, बढ़िया। ग्रैनी गई, बुड्ढा आएगा क्या फायदा, इसको पकड़ एंड मैं इन दोनों को वहां पे बुला रहा हूँ, इनडायरेक्टली बात खत्म। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ग्रैनी जिंदा होगी, ग्रैनी जिंदा होगी, ग्रैनी जिंदा होगी, बढ़िया। अब दोनों उधर पहुंच जाए तो क्या ही कहूँ मैं, अब पहुंचेगी ग्रैनी भी उधर, बढ़िया। तो अभी उधर बैक साइड तक ग्रैनी ग्रैंड पर दोनों पहुंच चुके हैं, ठीक है डन, एंड अभी यहाँ से मेरे को दोनों कोक बिल पहुंचाने हैं एक एक करके, बी से ग्रैनी कभी भी टपक सकती है, बी से डन। एक ये चक्का वास एंड प्लीज मेरे को यहाँ से कुछ कार एस्केप से रिलेटेड कुछ मिल जाए। ओ भाई, जन्नत आई, बाहर आ गई। अब ग्रैनी को यहाँ बुला लेता हूँ शोर के बहाने से, शोर के बहाने, डन, बढ़िया। इसको उठा, इसको फेंक, ठीक है डन। ग्रैनी मरेगी उधर, ठीक है, पीछे एंड ग्रैंड पास के पीछे पीछे पहुंच, मर गई। मुझे लगा कि नहीं मरेगी, अब बुड्ढा उसके पीछे पीछे पहुंच लेगा। यार क्या कर गया मैं, क्या कर गया मैं भाई, क्या कर गया मैं, नहीं करना चाहिए था भाई, नहीं करना चाहिए था, हो गया था यार एस्केप, कार की चाहिए थी, वो मिल गई थी, मिल जाती मुझे यहाँ वहाँ से, यार क्या कर गया मैं भाई। सच्ची बहुत दुख हो रहा है। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतने रखते हैं, होप कि आपको ये वाला गेम प्ले वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, गेम ओवर। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ मुझे नीचे बता देना कि तुम लोगों को ये वाला खेला खेला कैसा लगा, करेंगे अगली बारी फिर से। सो बाय बाय।